सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। करौली राजस्थान में जो एक विवाद अभी हाल में पैदा हुआ, दो दिन में टेलीविजन चैनलों पर वो काफ़ी उसने सुर्खियां पाई, सोशल मीडिया पर भी उसे गर्म करने की कोशिश हुई, लेकिन वो अभी कुछ घंटे पहले ये खबर आई है कि वहाँ वो जो शिकायतकर्ता परिवार है और वहाँ की सरकार के बीच आपस में कुछ तालमेल हो गया है और वो जो वहाँ एक पुजारी जी की उनको जला के कुछ लोगों ने मार दिया था, उनके शव को परिवार के लोग संस्कार के लिए ले गए हैं, उसका दाह संस्कार करने ले गए हैं। सरकार ने तय किया है कि वो उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देगी, जो आवास योजनाएं हैं उसमें से उनको एक घर बना के देगी और 10 लाख रुपए उसने नकद दिए। उनके लिए दिल्ली में एक ग्रुप ने चंदा बंदा भी किया था और सोशल मीडिया पे वो डाला था अकाउंट की, करीब 23 लाख रुपए उन्होंने चंदा उनके लिए कर लिया है। तो संभवतः समझा जाना चाहिए कि वो चंदा उन तक पहुंच जाएगा तो उस परिवार की मदद हो जाएगी। एक मंदिर के पुजारी थे करौली इलाके में और ब्राह्मण जाति से थे, क्योंकि इस जाति का उल्लेख बार बार किया गया है इसलिए मुझे भी करना यहाँ पड़ रहा है। मुद्दा ही ऐसा बनाया गया है कि एक ब्राह्मण पुजारी को जलाकर मार दिया गया और उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये एक आरोप है। इसकी मीमांसा मैं बाद में करता हूँ, पहले ये डिटेल्स बताना जरूरी है कि वहाँ इस समय हो क्या रहा है। तो दिन भर आज वहाँ धरना वगैरह था जिसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही नेतागण थे। राज्यपाल जो वहाँ के हैं कलराज मिश्र साहब, उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब तलब भी किया था, ऐसी खबरें भी मीडिया में हैं। बहुत सारे नेताओं ने बयान दिए थे, सोशल मीडिया पे बहुत से बयान हैं, बहुत सारे नेता वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ किसी विपक्षी दल के नेता से वहाँ की सत्तारूढ़ सरकार ने कुछ लाठी चार्ज किया हो या वहाँ 144 लगा दी हो, किसी के आने जाने पे प्रतिबंध हो या शव को ज़बरदस्ती ले जाके खुद ही उसका संस्कार कर दें और परिवार के लोगों को न पूछें और ये कहें कि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आके यहाँ चीज़ें भड़का रही है या कोई किसी धर्म विशेष का कोई संगठन आके कुछ कर रहा है या उसमें नक्सलवादी आ गए हैं, ऐसी कोई खबर वहाँ से नहीं आई है। तो ये एक फ़र्क है एक दूसरी घटना का, जिसके बरक्स इसको देखने की कोशिश या उम्मीद टेलीविज़न चैनलों के द्वारा हुई और कुछ लोगों के द्वारा हुई जो वहाँ सत्ता में नहीं है लेकिन देश की सत्ता जिनके पास है और जो समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ एक सी खबरों में भेदभाव करते हैं। तो इसलिए ये सब बताना ज़रूरी था। बाकी इसकी मीमांसा भी मैं करता हूँ। एक अपील आपसे फिर कर लूँ कि कार्यक्रम के अंत में जो लिंक है, लिंक में ज़रूर जाइए और उसमें जो हमारी स्कीम है एक सदस्यता की, उसमें शामिल होइए और सत्यहिंदी.com की मदद करिए जिससे ये हमारा कारवा अनवरत जारी रहे। ये मामला करौली ज़िले में सपोटरा के बूकना गांव का है। यहाँ ये एक भूमि विवाद था। इस मंदिर के पास कुछ जमीन है जिसकी खेतीबाड़ी से मंदिर के पुजारी के परिवार का भरण पोषण होता है। मंदिर करीब 200 साल पुराना है, राधा कृष्ण का मंदिर है। गांव में करीब 70% आबादी उस जाति की है जिस जाति के हमलावर हैं, यानी वो एक आदिवासी जाति है मीणा करके, राजस्थान में होती है। बहुत सारे लोग इसमें से पढ़ लिख के अफसर वगैरह बने हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगहों पर मीणा उपनाम वाले अफसर हैं और भी राज्यों में हैं और राजस्थान में भी वो एक बहुत प्रभावशाली समुदाय है और उसके जो सबसे प्रमुख नेता हैं वो बीजेपी के ही साथ हैं इस समय राजस्थान में। और आज वो वहाँ धरना देने पहुँचे हुए थे, वो सांसद भी हैं, उनके साथ वहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के जो इस मामले को बड़े जोर से उठा रहे थे वो भी थे, एक पुराने केंद्र में मंत्री रह चुके राज्यवर्धन राठौर भी वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ जो भी जाना चाह रहा था, चाहे वो मीडिया से था या पॉलिटिकल पार्टीज से था विरोध में, वो वहाँ आसानी से पहुँच रहा था। वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें वो शामिल हो रहा था, भाषण दे रहा था। इस सब पर कोई वहाँ किसी किस्म की पुलिस कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई है और इसकी वजह से कोई हिंसा होने की भी खबर नहीं है। दूसरी बात ये थी कि उस गांव में, जैसा मैंने बताया, कि करीब 70% आबादी मीणा समाज की है
और बाकी 30% में बहुत सारी दूसरी जातियों के लोग हैं और ब्राह्मण भी हैं, लेकिन ब्राह्मण वहाँ कोई ऐसी संख्या में नहीं है कि वो कोई बहुत प्रभावशाली हो सके मीणाओं की तुलना में। तो मीणा वहाँ प्रभावशाली है, लेकिन इनके प्रभावशाली होने के बावजूद इस कांड से पहले गांव में एक पंचायत हुई थी जिसमें जो पंच लोग बैठे थे उनमें ज़्यादातर लोग मीणा समाज के थे और उन सब लोगों ने पंडित जी के पक्ष में फैसला दिया था। तो ये जो हमलावर परिवार है वो भले ही मीणा समाज से आता है लेकिन उस गांव में उसको उसी समाज के लोगों ने उसके गलत काम के लिए समर्थन नहीं दिया था, न पहले और न बाद में और न अभी दे रहे हैं। ये एक फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो हाथरस या किसी और घटना से इस घटना में ये एक बुनियादी फर्क है। हाथरस में क्या हो रहा है कि समाज एक अजीब तरह से बटा हुआ है, सवर्ण जातियों के सारे लोग एक तरफा एक जैसी बात कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोग इस परिवार के खिलाफ धमकी उमकी दे रहे हैं, जो वहाँ कंप्लेनेंट है वीडियो जारी कर रहे हैं धमकी के, विपक्षी दलों के नेता वगैरह जो वहाँ जा रहे हैं उनसे मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर उन्होंने स्याही फेंक दी थी जबकि वो पुलिस के साये में पुलिस की गाड़ी में बैठ के वहाँ पहुँचे थे। इसके सरकार ने भी वहाँ धारा 144 लगा दी थी, लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। राहुल गांधी वगैरह को तो बॉर्डर पर ही पहले एक दिन रोक लिया था, फिर दूसरे दिन उनको 4-5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी। तो इस तरह की दोनों में परिस्थिति जन्य बहुत बड़ा फर्क है। तीसरे, इस घटना के होने के बाद शव उसके परिवार को सौंप दिया गया था जिसको लेके परिवार धरने पर 2 दिन से बैठा था। वो शव नहीं छीना गया, न परिवार के लोगों को वहाँ किसी ने उठा के इधर उधर किया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ एक ऐसी सरकार है जो कांग्रेस की है और मैं कांग्रेस का कोई पक्ष लेना चाहता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ के स्थानीय अखबारों में पिछले 2 दिनों में रिपोर्ट हुई है, वो तथ्य मैंने भी पढ़े हैं और उसके आधार पर मैं यहाँ उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। ये सूचनाएं वहाँ से आई हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों में और सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक दूसरी खबर चल रही है। वो खबर ये है कि वो चुनौती दे रही है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वहाँ क्यों नहीं जा रहे। एक तो सीधी सी बात है कि ये इस तरह से बात करना कि जैसे हाथरस में कांड हुआ है तो यहाँ कोई कहे कि मोदी जी या अमित शाह वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। भाई वहाँ उत्तर प्रदेश में विपक्ष मोदी जी और अमित शाह जी नहीं है, वहाँ विपक्ष समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है या कोई और दल है। तो जाहिर है उसके लोग जाएंगे। राजस्थान में जो विपक्ष है उसके लोग वहाँ गए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सब नेता वहाँ गए। तो हम अपने राजनैतिक संवाद में एक ऐसी स्थिति में आ पहुँचे हैं कि हम सीधी सीधी बातों को सीधे सीधे हम नहीं कहते, और उसको सीधे सीधे न कहने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है मीडिया। वो पहले ही बात को उल्टी करके पेश कर देता है। आप देखते हैं कि एक आईटी सेल कोई डिक्टेशन जारी करता है और वही चीज़ मीडिया चैनलों के प्रमुख एंकर अपने विशेष प्रोग्राम लेकर आते हैं, उसी पर टाइम्स नाउ देख लीजिए, आज तक में दंगल देख लीजिए, किसी और में कुछ और देख लीजिए, इन सबको आप पाएंगे सब एक ही स्वर में इस सवाल को रख रहे थे और उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं रखी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे मैं उनको हासिल कर सकता हूँ वो मुझसे ज़्यादा संपन्न संगठनों में काम करते हैं, उनके लिए ये तो उनकी रिसर्च टीम होती है, वो 2 सेकंड में इसको हासिल कर सकते थे और ये सब बता सकते थे। लेकिन ये सूचनाएं वो नहीं देते कि उस गांव का सामाजिक ताना बाना कैसा है, दूसरे वो जो संगठन वहाँ जो जा रहे हैं क्या उन पर क्या हो रहा है, वो कर क्या रहे हैं। तो ये सब सवाल तो सामने रखने होंगे, लेकिन वो ज़बरदस्ती एक नरेशन बना रहे हैं कि जो सरकारें कांग्रेस या किसी अन्य दल की हैं जो बीजेपी की नहीं है वो कुछ धार्मिक भेदभाव करती हैं, उसको वो ब्राह्मण हिंदू इस तरह के शब्दों के साथ अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। कार्यक्रमों के शीर्षक भी ऐसे हैं। पालघर में जो घटना हुई थी उस घटना को इससे जोड़ के पूरे ट्विटर वगैरह पर ट्रेंड चलाए गए हैं। तो हम ये लगातार पा रहे हैं कि इस देश में जो संवाद है वो संवाद बनाने का काम जो लोगों ने सत्ता में होने के नाते, साधन संपन्न होने के नाते एक तरह से समाज से छीन लिया है, वो हमेशा हर संवाद को उल्टा खड़ा कर देते हैं हमारे आपके सामने। और इसमें ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि कई बार तो जो विक्टिम होता है, जैसे हाथरस की घटना में जिस बच्ची की मृत्यु हुई है उसका परिवार ही सबसे ज़्यादा दंड भोग रहा है।
पुलिस SIT और जो भी आ रहा है सबने उसको एक तो बाड़े में बंद कर दिया है, वो किसी से मिल नहीं सकता, कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई मिलेगा तो उसमें कोई ना कोई कहानी पीछे से आ जाएगी, उसके बाद मीडिया को पुलिस वगैरह जैसा ब्रीफ करेंगे वैसा ही उसमें चलवा देंगे, बल्कि और चटखारे लेके चलवा देंगे, कोई किसी तथ्य का परीक्षण नहीं करेगा, पुलिस जो भी कह देगी उसे मान लेगा। पुलिस ने कह दिया कि 100 करोड़ रुपए विदेश मॉरिशस रूट से ट्रांसफर हुए हैं और ईडी ने बताया है, ईडी ने खंडन कर दिया तो ये किसी ने नहीं दिखाया, लेकिन 100 करोड़ रुपए वाली स्टोरी अभी 100 स्टोरी यूट्यूब पे आप देख लीजिए और सारे चैनलों ने चलाई, सारे अखबारों ने छापी, एकदम बुनियादी झूठी खबर है जिसका खंडन उस एजेंसी ने कर दिया जिसके नाम से यह खबर चलाई गई ईडी ने, लेकिन खंडन नहीं आया, मंडन चलता रहा। तो हम एक ऐसे आपराधिक चक्रव्यूह में सूचनाओं के आपराधिक चक्रव्यूह में फंसा दिए गए हैं जबरन, जिसमें हम हर घटना में किसी न किसी किस्म की रहस्यमयता, झूठ, कॉन्कॉक्शन और एकदम उल्टी थ्योरी और विक्टिम तक का जिसे कहा जाए चीरहरण करते हुए पाते हैं चीजों को। भाई वहां एक बच्चे की मृत्यु हुई है आतरस में, जैसे यहां एक पुजारी की मृत्यु हुई है, तो एक सामान्य सदाशयता तो ये डिमांड करती है ना कि दोनों जगह सबसे पहले तो आप उनका पक्ष लेंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन आप दोनों जगह आप देखिए बिल्कुल अलग चीज है। राजस्थान में आप विक्टिम के साथ हैं, हाथरस में आप विक्टिम के खिलाफ हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम के ही ऊपर इस केस को लाद दिया जाए। सारे आप प्रशासन को, सारे मीडिया को, सारे सोशल मीडिया को यही करते हुए पाएंगे, ये तो एक अजीब समस्या है। वहां आप मतलब जिन पर आरोप है, मैं नहीं कहता कि वो अपराधी है कि नहीं, वो कोई जांच हो तरीके से हो, कानून के सामने जाए, सिद्ध हो तब हो, मैं भी नहीं कह रहा हूं उनको कि आरोपी है तो उनको सिर्फ आरोपी ही कहा जाए या उनको टेलीविजन पे सूली पे टांग दिया जाए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आप जिसकी शिकायत है उसको भी तो सूली पे ऐसे मत टांग दीजिए। जैसा अभी बंबई हाईकोर्ट ने कहा है कल रिपब्लिक टीवी के मामले में, जो वहां के बहुत से पुलिस अधिकारियों ने एक मुकदमा दायर किया है चैनलों पर इनके प्रसारण के तरीके पर और किसी मामले में जांच होते समय इनके रवैये पर, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जब इनका वकील खड़ा हुआ तो उसने पूछा कि आप किस अधिकार से एक ट्रायल कोर्ट बैठा लेते हैं, आपको किसने हक दिया है, आपको क्या, आपकी योग्यता क्या है इस मामले में। यह सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी किया था, जब भी ये न्यायिक स्क्रूटनी में जाएगा तो ये सवाल होंगे। सुदर्शन चैनल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया है। आप हर बार जो हमारे देश में एक आजाद देश होने के नाते जो मनुष्य की आजादी है, जो प्रेस की आजादी है, उसका आप दुरुपयोग तो नहीं कर सकते ना, उपयोग कर सकते हैं लेकिन आप तो दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कोर्ट का काम, जांच एजेंसी का काम सब छीन लेना चाहते हैं, वकील का काम सब छीन के आप खुद उस जगह पे बैठ जाना चाहते हैं, ये तो आपका काम नहीं है ना। आप अपना काम कीजिए, आपका काम रिपोर्टिंग है, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं करते। आपको IT सेल एक एजेंडा देता है, आप वही, आपके बहुत सारे एंकर, कई बार हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया है, अल्ट न्यूज रोज एक्सपोज करता रहता है कि आप देखते हैं कि IT सेल से जो आता है वही शब्दशः एक ही चीज डिफरेंट चैनलों के डिफरेंट एंकर टीप करके अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा देते हैं, और शाम को आप देखते हैं कि वही सारे चैनलों में शाम की जितनी भी इस तरह की गोष्ठियां और विशेष प्रोग्राम है उनका मूल मुख्य वस्तु वही होती है। देश में कोई दूसरी खबरें ही नहीं होने पाती। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो उसको बिल्कुल निरपेक्षता है उसके लिए, वो लोगों के लिए है ही नहीं। मजदूरों का, जब प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ था तो उनको खबर बनने में बेचारों को बहुत लाशों में बदलना पड़ा था वो खबरें बने। उससे पहले सोशल मीडिया और दूसरा सामाजिक जब कैंपेन बड़ा हो गया तब वो खबरें बने। तो हम ये जो सूचना देने का काम जिनका है, वो जिस इस अपराध की श्रृंखला में शामिल हो गए हैं, वो हर चीज को डिस्टॉर्ट करके पेश कर देते हैं। और किसी एक गुनाह के बारे में बात करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी हमेशा दूसरे गुनाह से तुलना कर दी जाए। दो अलग अलग गुनाह हैं, दोनों गुनाहों पर अलग अलग रिएक्शंस आएंगे, अलग उनकी सिचुएशंस हो सकती हैं, उनमें अलग प्रक्रिया हो सकती है, अलग परिस्थिति हो सकती है, अलग व्यवहार हो सकता है राज्य का उनके साथ, जैसा इस मामले में है हाथरस और करौली में।
करौली में न कोई गोली चली, न लाठी चला, न आंसू गैस चली, न कोई पिटा, न कोई किसी पर शाही फेंकी गई, न किसी से गाली गलौज हुआ, न किसी का कुर्ता फटा, न कोई गाड़ी टूटी, न कोई वहां PFI आया, न ISI आया, न कोई और अन्य आया, न वहां मॉरिशस से रुपया ट्रांसफर हुआ, तो वो और न वहां किसी की लाश पुलिस ले गई जबरदस्ती बिना परिवार वालों के उसने जला दिया। तो अगर ये सब वहां नहीं हुआ तो उसकी तुलना हम हाथरस से कैसे कर लेंगे? और ऐसी डिमांड करने का कोई तर्क है? ये सवाल है जो रोज खड़े हो जाते हैं, रोज के कार्यक्रमों की जगह ले लेते हैं, और जिन चीजों को हम जैसे संगठन कवर करना चाहते हैं हम पर भी दबाव आ जाता है कि हमें इनकी सफाइयां देनी पड़ती, इसमें से अफवाह के बीच से खबर छांट के आपके सामने इसी में से रखनी पड़ती है। लेकिन अब ये एक स्थिति है, हमारे पास भी इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो आज करौली पर इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।